हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस में और ये एप्लीकेबल होगा इस बार से ही, जून 2019 से, और उसके बाद आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा। न्यू टॉपिक ऐड हुआ है इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सजेशन है इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूरी पूरी उम्मीद है कि नेटा नेट जे आर पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे ज़रूर आएगा। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, PDF में बुक्स चाहिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 8 गोल हैं जो कि 189 नेशंस ने एग्री किए थे कि हम 2015 तक ये 8 गोल अचीव करेंगे। ये जो गोल हैं ये सेट किए गए थे मिलेनियम डिक्लेरेशन में, द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन में जो साइन हुआ था सितंबर 2000 में। तो 3-4 पॉइंट यहीं पे आ जाते हैं जिन पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, कितने नेशंस ने एग्री किया था, और ये जो मिलेनियम डिक्लेरेशन है ये किस ईयर में साइन हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और इन्वायरमेंटल साइंस नेट जे आर एफ के एग्ज़ाम में तो इसमें से क्वेश्चन आए भी हैं, जो तीनों टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। तो सभी जितने भी नेशंस जिन्होंने साइन किए थे, यानी कि 189 नेशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और लगभग 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कमिट किया था कि हम हेल्प करेंगे कि जो 8 गोल हमने सेट किए हैं वो 2015 तक हम अचीव कर लें। अब बात आती है कि वो 8 गोल कौन कौन से हैं। सबसे पहला गोल है पॉवर्टी और हंगर को लेके, गरीबी और भूख। इन सभी नेशंस ने कमिट किया था कि हम 2015 तक एक्सट्रीमी पॉवर्टी और हंगर पे काम करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट गोल था वो था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन सभी का अधिकार है और सभी को मिलना चाहिए। ये इस डिक्लेरेशन का सेकंड गोल था। तीसरा और इम्पोर्टेंट गोल है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वूमन। जितने भी जेंडर हैं उन सभी का इक्वल राइट है जीने का, चीज़ों पे, और सभी को न्याय मिले इक्वली। इसको प्रमोट करने के लिए थर्ड गोल सेट किया गया था। चौथा इम्पोर्टेंट गोल था टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें जो शिशु मृत्यु दर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बहुत ज़्यादा है। एशिया और अफ्रीकन कंट्रियों में तो सबसे ज़्यादा है। इसको कम करना है, यही इनका फोर्थ गोल था। पांचवा और इम्पोर्टेंट गोल था टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है अफ्रीकन और एशियन कंट्री में। इसको इम्प्रूव करने के लिए ही ये फिफ्थ गोल सेट किया गया था।
सिक्स्थ गोल था टू कम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। फिर से अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, तो अफ्रीकन और एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं या सबसे ज़्यादा केस आइडेंटिफाई होते हैं इन सभी डिजीज़ के। तो इनको कम करने के लिए, इन पे काम करने के लिए छठा गोल सेट किया गया था। सातवां गोल था टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जितनी भी आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से रिगार्डिंग काम कर लो, पर वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बेस पे होने चाहिए। इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना है इकोनॉमी के लिए। यही सातवां गोल सेट किया गया था। आठवां और लास्ट गोल था टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। दुनिया के सारे नेशन मिल के डेवलपमेंट पे काम करें, यही आठवां और आखिरी गोल था। तो जितने मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सभी को ध्यान से आप नोट कर लें। इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। कितने गोल थे, कब डिक्लेरेशन आया, कितने नेशंस ने साइन किए थे, और हाँ, इंडिया भी एक सिग्नेटरी मेंबर है इस डिक्लेरेशन का, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको पेपर फर्स्ट के लिए नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमारे पेज नेटा नेट पेपर फर्स्ट पे जाइए और इनबॉक्स में हमें मैसेज ड्रॉप कर दो। हम आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज PDF जो है नोट्स की वो सेंड कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।